हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका बाल ज्योतिषी विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ जून 2021 का वृषभ राशि के लिए ये सब माह कैसा रहेगा। वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र है, इस समय ग्रह गोचर की अगर हम बात की जाए तो ग्रह गोचर की कुंडली में वृषभ लग्न, वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि के लग्न में ही इस समय राहु विराजमान है। ग्रह गोचर के अनुसार राहु की स्थिति इस समय आपको चिंताकारक, भयभीत बनाए रख सकती है। कोई ना कोई ऐसी शारीरिक समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है जिससे आगे जाके भविष्य में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना। द्वितीय की बात की जाए तो मिथुन राशि पे इस समय, मतलब वृषभ राशि, ये जो हमारा राशिफल होता है ये ग्रह गोचर पर आधारित होता है। मैं आज वृषभ राशि जून 2021 का मासिक राशिफल आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम सूर्य ग्रह की बात की जाए तो सूर्य इस समय द्वितीय स्थान पे मिथुन राशि पे ग्रह गोचर कर रहे हैं। द्वितीय स्थान जो कि पारिवारिक सुख, धन संपन्न, धन की आगमन, कुटुंब, इन सब से संबंध रखता है। इस समय सूर्य वहां पर विराजमान होना पारिवारिक समस्या उत्पन्न करने की स्थिति बता रहा है। बुध का वहां पर होना ये ठीक नहीं है। द्वितीय स्थान पे बुध का होना मतलब सरकारी कोर्ट कचहरी या गवर्नमेंट संबंधित कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है आपको इस माह पे। तीसरे की अगर हम बात की जाए, तीसरे स्थान पे ग्रह गोचर के अनुसार तीसरे स्थान पे तीन ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें है मंगल जो कि 3 जून 2021 को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि पे उत्पन्न हो रहा है जो कि उसकी नीच राशि है। और शुक्र की अगर हम बात की जाए तो शुक्र 22 मई 2021 को कर्क राशि पे भ्रमण करने वाला। बुध की अगर हम बात की जाए तो बुध 3 जून 2021 को कर्क राशि पर भ्रमण करने वाला है। ये तीनों ही ग्रह कर्क राशि में उत्पन्न होंगे, तीनों ही ग्रह इस राशि पर भ्रमण करेंगे। तीनों के अलग अलग प्रभाव है, तीनों ही राशियों का स्वामी अलग है, तीनों ही की स्थिति भी अलग है। तीनों एक घर में जरूर है पर तीनों की स्थिति अलग है। तीसरे स्थान का मंगल, अगर आप भूमि संबंधित कार्य करते हैं, जमीन संबंधित कार्य करते हैं, प्लॉट संबंधित कार्य करते हैं, या आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ब्रोकर है, या कोई भी जमीन संबंधित आप कार्य करते हैं, खुद मकान बनाते हैं, बेचते हैं, तो आपके लिए ये समय अनुकूल नहीं है। क्योंकि मंगल इस समय तृतीय तो चल रहा है पर किंतु मकर कर्क राशि पे उत्पन्न होने की वजह से वो उसकी नीच राशि है। तो इस समय कृपया आप इन सब चीजों से दूर रहे। और गृहस्थ जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी बना सकता है क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है वो मंगल जो कि अपनी कर्क राशि में उत्पन्न है। वाद विवाद, गृह कलेश इस समय हो सकता है। शुक्र भी वहां होने से, शुक्र जो कि लग्न का स्वामी है, इस समय आपका मेहनत, पराक्रम, इन सब पे आपका पूरा फोकस रहेगा। आप कार्य अधिक करेंगे, अपनी मेहनत से ज्यादा अधिक करेंगे, कार्य से ज्यादा अधिक अपने कार्य करेंगे, किंतु उसका सही परिणाम नहीं मिल पाएगा क्योंकि मंगल भी वहां पर स्थित है। मंगल भी वहां स्थित होने से नीच राशि का प्रभाव उसने वो वहां पर उसने दे दिया। और बुध की अगर हम बात किया, बुध की कोई राशि, मतलब बुध की राशि तो थी पर उसका कोई स्वभाव नहीं होता, कोई व्यक्तित्व नहीं होता। अब वो जिनके साथ है उसी पे उसका प्रभाव पूरा दिखेगा। जैसे शुक्र स्त्री राशि है, मंगल क्रूर ग्रह है, पुरुष ग्रह है, मंगल एक तेजस्वी ग्रह है, लाल ग्रह है, इसीलिए वो दोनों पे ही प्रभाव करेगा। बुध जो है उसकी कोई राशि मतलब कोई भी स्वभाव ना होने की वजह से वो दोनों में ही कुछ ना कुछ फल देगा। इसलिए बुध भाग्य को देख रहा है तो भाग्य में विकास की स्थिति बनाएगा क्योंकि शुक्र भी उसके साथ है। शुक्र वहां पर अच्छा है इसलिए उसका प्रभाव ज्यादा होगा बुध पे। मंगल नीच का होने से नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता और नीच के साथ अगर दो अच्छे ग्रह हो जाए तो उसका प्रभाव भी कम कर देता है।
इसलिए भाग्य में दृष्टि डाल रहा है तो भाग्य की उन्नति तो जरूर बढ़ाएगा, पर मंगल कोई ना कोई आपको अचानक ऐसी बाधा भी दिला सकता है। चतुर्थ की अगर हम बात की जाए, ग्रह गोचर की बात कर रहा हूं, चतुर्थ की अगर हम बात की जाए, चतुर्थ ग्रह का स्वामी जो है इस समय सिंह, जो कि द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहा है, सुख समृद्धि इस समय आपको पूर्ण रूप से मिलेगी, नए वाहन का योग बन सकता है, नए मकान का योग बन सकता है। अगर हम पंचम ग्रह की बात की जाए, पंचम स्थान की अगर हम बात की जाए, तो पंचम स्थान का ग्रह गोचर में जो कि अभी बुध है, जो कि बुध तृतीय स्थान पे भ्रमण कर रहा है, जो कि कर्क राशि पे 3 जून 2021 को भ्रमण करेगा। बुध का तृतीय स्थान में होना विद्या संतान प्रेम संबंध का कारक। इस समय तृतीय स्थान में भ्रमण करने का मतलब है संतान संबंधित कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होना, संतान के जीवन में कोई ना कोई परीक्षा संबंधित या विद्या संबंधित या खेल कूद संबंधित कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो जाना। अगर अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया थोड़ा सावधानी से ध्यान दे के करें, क्योंकि इस समय बुध तृतीय स्थान पर भ्रमण कर रहा है। तृतीय स्थान जो कि कर्क राशि वहां पर उत्पन्न होने की वजह से वो अनुकूल परिणाम नहीं देगा आपको। अगर हम छठे की अगर हम बात की जाए, छठे स्थान पर तुला राशि उत्पन्न है, तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह गोचर अनुसार तृतीय स्थान पे मंगल की कर्क मंगल के साथ कर्क राशि में उत्पन्न है। छठा जो कि शत्रु स्थान का स्वामी है, जो कि शुक्र है इस समय ग्रह गोचर अनुसार तृतीय स्थान में होने से शत्रु आपका कोई ना कोई उत्पन्न हो सकता है, आपको कोई ना कोई परेशानी उससे हो सकती है, कोई ना कोई आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में भंग कर सकता है। गृहस्थ जीवन की अगर हम बात की जाए, गृहस्थ जीवन में समय वृश्चिक राशि उत्पन्न है, वृश्चिक राशि में केतु विराजमान है, गृहस्थ जीवन में कोई विशेष ऐसा कार्य होने वाला है, प्रेम बरसेगा, कुछ सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी, पत्नी से कोई ऐसा लाभ आपको हो सकता है जिसका आपने सोचा ना हो, उनकी वजह से कोई ऐसा कार्य आपको मिल सकता है जिससे आपको धन और भाग्य में उन्नति अवश्य होगी। अगर हम अष्टम की बात की जाए, अष्टम स्थान का स्वामी जो कि गुरु है, जो कि दशम स्थान पर ग्रह गोचर कर रहा है, दशम स्थान कार्य क्षेत्र का स्थान है, मतलब कोई ना कोई आपको अचानक कार्य क्षेत्र में एक अचानक धन लाभ हो सकता है, कार्य क्षेत्र आपका बढ़ेगा, नया बिजनेस आप खोलने का अगर सोच रहे हैं तो ये समय सबसे अच्छा जून माह का है। इस समय कोई ना कोई नया बिजनेस आपका खुलेगा, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अवश्य करें, क्योंकि मंगल आपका तीसरे स्थान में है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करें किंतु जमीन संबंधित कार्य ना करें, क्योंकि मंगल जमीन संबंधी प्लॉट संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। अगर हम शनि की बात की जाए, शनि इस समय भाग्य में उत्पन्न है, भाग्य में शनि होना, शनि से हम डरते हैं, शनि ही भाग्य में उत्पन्न होना वृषभ राशि के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई पूर्ण रहेगा। भाग्य में कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है जिससे भाग्य में का जो विकास होने वाला है वो रुक सकता है। आज मैंने आप सभी को वृषभ राशि जून 2021 का मासिक राशि फल बताया। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो।